पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और कलानिधि मारन को सीबीआई कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस केस में बरी कर दिया है। कोर्ट के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। दयानिधि मारन पर आरोप था कि उन्होंने चेन्नई के टेलीकॉम प्रमोटर सी शिवशंकर पर 2006 में एयरसेल और उसकी सहायक फर्मों में अपनी हिस्सेदारी मलेशियाई कंपनी मैक्सिस ग्रुप को बेचने का दबाव बनाया था, जिसके बाद सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से इन सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। हालांकि दयानिधि ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। वहीं विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी का मारन बंधुओं समेत सभी पर आरोप तय करने और उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने को लेकर 24 जनवरी को फैसला सुनाना था, लेकिन अदालत ने इसे टाल दिया था। इस मामले में सीबीआई ने मारन बंधुओं राल्फ मार्शल, टी आनंद कृष्णन, सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिटेन की एक कंपनी एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क, मलेशिया की मैक्सिस कम्युनिकेशंस और साउथ एशिया एंटरटेनमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इन सभी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और आपराधिक षड्यंत्र की धारा 120B के तहत केस दर्ज किया गया था। तो ठोस सबूत न होने के कारण मारन बंधुओं को कोर्ट ने बरी कर दिया है। आपको बता दें यह मामला 2011 का था। वहीं इस केस से जुड़े अन्य सभी आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया गया है। देखते रहिए डीबी लाइव।